जिस प्रकार देश की अर्थव्यवस्था में कृषि का महत्व है, उसी प्रकार विकास और रोजगार के लिए लघु और मध्यम उद्योग, जिसे एमएसएमई भी कहते हैं, इसका भी महत्वपूर्ण योगदान है। दुनिया में सबसे बड़ी ये सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम की विशाल संख्या भारतीय अर्थव्यवस्था को बल प्रदान करती है और भारत सरकार के केंद्रण के साथ कृषि के समतुल्य है। देश के कोने कोने में इस सेक्टर का विस्तार कई चुनौतियां पेश करता है। भारत सरकार के सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्योग मंत्रालय के मिशन के अनुरूप मंत्रालय ने कुछ प्रभावशाली कदम उठाए हैं। सरकार के प्रोक्योरमेंट में माइक्रो एवं स्मॉल एंटरप्राइजेस की सहभागिता सुनिश्चित करने के लिए मंत्रालय ने संबंध पोर्टल लॉन्च किया। प्रधानमंत्री रोजगार निर्माण कार्यक्रम के तहत उद्यमियों को एंटरप्राइज की स्थापना के लिए सब्सिडी के लिए आवेदन की पूरी प्रक्रिया जुलाई 2016 से ऑनलाइन उपलब्ध कराई गई है। पीएमईजीपी कार्यक्रम द्वारा 14,75,000 को रोजगार मिला। क्रेडिट फैसिलिटेशन की दृष्टि से केंद्र सरकार के एमएसई के लिए क्रेडिट गारंटी ट्रस्ट फंड के तहत फंड जारी किए गए हैं। मंत्रालय ने एमएसएमई के अपग्रेडेशन एवं आधुनिकीकरण को प्रोत्साहित एवं सहयोग करते हुए क्रेडिट लिंक्ड कैपिटल सब्सिडी योजना उपलब्ध कराई। मंत्रालय के तहत टेक्नोलॉजी सेंटर एमएसएमई के लिए प्रोटोटाइपिंग, टूल डेवलपमेंट, लेटेस्ट टेक्नोलॉजी एवं उत्पादन प्रक्रियाओं का कार्य कर रहे हैं। मंत्रालय का क्लस्टर डेवलपमेंट प्रोग्राम औद्योगिक क्षेत्रों एवं एमएसएमई क्लस्टर्स में निर्माण में सहयोग करता है। मार्केटिंग असिस्टेंट योजना एवं इंटरनेशनल कोऑपरेशन योजना के तहत घरेलू एवं अंतर्राष्ट्रीय प्रदर्शनियों में एमएसएमई को भाग लेने में सहयोग करती है। पहली बार इंटरनेशनल एमएसएमई कन्वेंशन एवं एक्सपो आयोजित किया गया, जो अभी तक केवल बड़ी कंपनियों को उपलब्ध था। खादी एंड विलेज इंडस्ट्रीज सेक्टर भारत के गांवों के आत्मनिर्भर व्यक्तित्व को प्रदर्शित करता है और खादी उत्पादों के उपयोग को बढ़ावा देता है। क्वायर उद्योग भारत के पूर्वी और पश्चिमी समुद्र तटों पर फैल रहा है और भारत में 7 लाख से अधिक लोगों को रोजगार प्रदान कर रहा है। माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी द्वारा लॉन्च किया गया नेशनल SC ST हब केंद्र सरकार की पब्लिक प्रोक्योरमेंट पॉलिसी के तहत